अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट जीज किचन। और आज भट्ट जीज किचन में बनने जा रही है यम्मी सी आइसक्रीम। गर्मियों का मौसम अब तो जा रहा है अपने अख्ताम की जानिब, लेकिन फिर भी आइसक्रीम एक ऐसी चीज है जो हर घर में हर मौसम में खाई जाती है, और सर्दियों में तो आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। तो अपने आज के किचन में हम बनाने जा रहे हैं कैरमल कुल्फा, जो बहुत ही मजे का है। तो मेरा ख्याल है कि गर्मी का मौसम है तो देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। हमें सबसे पहले चाहिए होगा कुल्फी बनाने के लिए हमें तकरीबन 2 लीटर दूध दरकार है। एक पैक क्रीम का लेंगे, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं आप, जिसे हम विप करेंगे और साथ में शामिल करेंगे दूध के। थोड़ा सा इलायची पाउडर, तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी कम है। 8 चम्मच के करीब हमें खुश्क दूध चाहिए, आप किसी भी ब्रांड का किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। थोड़े से कटे हुए पिस्ता और बादाम और चंद कतरे वनीला एसेंस के, ये ऑप्शनल है, आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके जगह कोई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग प्रोसीजर है, वो करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप अगर इसको यूज़ करना चाहें तो करें, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर चाहिए। दूध मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसे हम अभी उबाल आने तक पकाएंगे। ये फुल फैट मिल्क है, इसमें मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की है। इसी को हम तकरीबन हाफ तक लेके जाएंगे क्वांटिटी, और जैसे ही जोश आएगा हम इसमें चम्मच चलाना शुरू करेंगे और उसको चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे जले नहीं। ये दूध में आप देख रहे हैं कि उबाल आना शुरू हो गया है। इस मौके पे अब हम इसमें चम्मच इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्रीम आ रही है, बिल्कुल प्लेन मिल्क था, फुल फैट मिल्क था, पैक दूध नहीं था। हम इस 2 किलो दूध ही को खुश्क करके आधा करेंगे, इसकी तमाम क्रीम और अज्जा इसके अंदर ही मिक्स हो जाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें आपको खोए की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि दूध इट्सेल्फ जो है वो थिक हो जाएगा। दूध पैन से बाहर नहीं आया, चूल्हा हमने हल्का कर दिया है और अब हम इसको इसी तरह से हिलाते हुए पकाते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैं मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे बॉयल कर रही हूँ, और इसमें अच्छा खासा उबाल जो है वो आ चुका है, और इस मौके पर मैं आँच तेज़ कर दी है। आप देख सकते हैं कि दूध बाहर नहीं आ रहा। इस स्टेज पर अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके खुश्क दूध शामिल करते जाएँगे और चम्मच साथ साथ चलाएँगे ताकि लम्स नहीं बने। तकरीबन 8 खाने के चम्मच हैं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर इसमें शामिल करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और खुश्क दूध जो है वो भी इसमें अच्छे से शामिल हो चुका है। 1 कप चीनी जो हमने ली थी उसका हम कैरेमल तैयार करेंगे। पैन हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और 1 कप चीनी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया, कुछ भी शामिल नहीं है, बस लो फ्लेम पे हम इसे कैरेमलाइज होने तक पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। हम इसमें चम्मच इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस पैन को हिलाते हुए इस सारी चीनी को कैरेमलाइज कर लेंगे। दूसरी जानिब दूध तकरीबन आधा हो चुका है अपनी मकदार में, लेकिन अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। बाय द टाइम चीनी जो है वो भी मेल्ट हो चुकी होगी, फिर हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। जी आप देख सकते हैं कि तेजी से चीनी जो है वो कैरमलाइज हो रही है। हम इसको बगैर किसी चम्मच के हिलाते रहेंगे और तमाम चीनी जो है उसको इसमें मेल्ट करेंगे। जो आप देख रहे हैं कि चीनी काफ़ी अच्छी तरह से घुल चुकी है, अभी भी आपको कहीं कहीं उसका कोई दाना जो है वो दिखाई दे रहा है, तो ये तमाम दाने ख़त्म होने तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। जी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसको दूध में शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। आँच हम लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि अच्छे से इसमें चीनी जो है वो मिक्स हो चुकी है, कि इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है, और चीनी हम इसमें जो कैरमल किया था वो इसमें हम मिक्स कर रहे हैं और इसको मिक्स करने तक हम पकाते रहेंगे।
हम इसमें शामिल करेंगे इलायची पाउडर और थोड़ी देर इसको पकाने के बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। इसमें अभी हमने कैरेमल तैयार की थी, इसको हमने एक पानी से धो लिया और अब हम इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड तैयार करेंगे कॉर्नफ्लोर के साथ। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन एक पाव दूध है जो हमने पैन में चढ़ा दिया है। अब इसको बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे और फिर कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे ताकि ये एक गाढ़ी सी फॉर्म में आ जाए। तकरीबन 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर चाहिए। ये दूध जो है थोड़ा सा मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर में और इसकी एक पेस्ट सी बना लेंगे। इसमें लम्स नहीं रहे इसलिए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसको बतौर कस्टर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो इस मौके पे आप फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स को भी आपको कस्टर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका मेथड जो है वो बिल्कुल अलग से है, तो वो आइंदा कभी अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में हम आपको जरूर बताएंगे। जी, दूध गर्म हो चुका, अब हम इसमें इस कॉर्नफ्लोर को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे और इसको थिक पेस्ट में ले आएंगे। ये कंसिस्टेंसी है, जब इस कंसिस्टेंसी में आपको ये नजर आए तो आप चूल्हा बंद कर दें, बाकी के तमाम अज्जा को फिर हम इसमें मिक्स करेंगे। हमारा कैरेमल मिल्क जो है वो तैयार हो चुका है। दूसरी जानब हमने कस्टर्ड भी तैयार कर लिया है। अब हम आपके सामने करेंगे क्रीम को बीट। ये जो क्रीम को हम बीट कर रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसी मेथड से इसको बीट करें, क्योंकि जितना चिल होगा उतनी अच्छी बीटिंग होगी। तो चिल करने के लिए इससे बेस्ट वे नहीं है कि आप बाउल लीजिए और बाउल में आप बर्फ लीजिए, स्टील का बाउल लें और क्रीम को बीट करें। क्रीम को व्हिप करने के बहुत से तरीके आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर देखे होंगे, लेकिन मैंने जब भी मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल किया मुझे ये सबसे बेस्ट जो है वो दिखाई दिया। अब स्टील के किसी एक खुले मुंह के बर्तन में बर्फ लीजिए और उसके ऊपर एक बर्तन रख के क्रीम को उसमें शिफ्ट करें। इससे होगा ये कि बर्तन जो है वो ठंडा रहेगा। अभी बर्तन जो है वो ठंडा महसूस होना शुरू हो गया। ये बर्तन ठंडा रहेगा और जितना ये ठंडा रहेगा उतनी क्रीम ज्यादा अच्छे से व्हिप होगी। मैंने जो एक पैक इसमें क्रीम ली थी आप देख सकते हैं वो तकरीबन डबल हो चुकी है और अभी हम इसको बीट करते रहेंगे अंटिल के ये फ्लफी हो जाए। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आइसिंग शुगर के तकरीबन 3 खाने के चम्मच है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो आ चुका है और ये तकरीबन अपने असल से 3 गुना ज्यादा हो चुकी है। अब हम इसको शामिल करेंगे उस दूध के मटेरियल में जो ठंडा हो चुका है। ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब ये जो क्रीम है हम इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। सारी क्रीम हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अपने असल से 3 गुना हो चुकी है। एक पैकेट से कितनी सारी क्रीम जो है वो तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार सी कैरेमल आइसक्रीम जो है वो बनेगी। अब इसको भी हम हल्के हाथ से मिक्स कर लें। कस्टर्ड तैयार हो चुका, कैरेमल और क्रीम का अमेजा भी तैयार हो चुका। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। ये गाढ़ा सा हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको डालेंगे बाउल में, सांचे में और फिर इसको फ्रीज करेंगे 7 से 8 घंटों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर काफ़ी गाढ़ा सा हो चुका है। प्लास्टिक के इस बाउल में मैं इसको डाल के 7 से 8 घंटों के लिए फ्रीज करूंगी। आप चाहें तो इसको आइसक्रीम के जो मोल्ड्स हैं उसमें भी डाल सकते हैं। गा
गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगे हमें थोड़े से बादाम और पिस्ते कटे हुए। आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी, इसको हम करेंगे डिश आउट। इसके लिए हम पिस्ते और बादाम जो है ट्रे में फैला लेंगे। जी तो ये है मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम, ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़े की है, और बनाइए घर पे और इन्जॉय कीजिए, बनाइए इसको घर पे और इन्जॉय कीजिए समर अपना। तो ये है आज का मज़ेदार सा कैरेमल कुल्फा। आइसक्रीम की दुनिया में एक मज़ेदार सा फ्लेवर है ये, तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। इसमें बहुत से नट्स हैं, अगर आपको नट्स पसंद नहीं है तो आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कुल्फे में नट्स ना हो तो उसका क्या मजा आएगा। मैंने इसके बीच एड ऑन नहीं किए थे क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है नट्स, दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ अपनी आइसक्रीम जो मैंने खाना थी उसके ऊपर मैंने नट्स जो है वो लगा दिए थे, और बच्चों की जो आइसक्रीम है उनको सादा रहने दिया था। तो दोनों तरह से आप खा सकते हैं, दोनों तरह से मजेदार लगती है। आप नट्स के बगैर यूज करें या नट्स के साथ यूज करें, अप टू यू। दुआ में याद रखिएगा, इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आप जब इसको बनाए अपने घर पे तो जरूर अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम और हमारी प्रेजेंटेशन। दुआओं में याद रखिए, अपनी मेजबान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।